If x is equal to root 2 plus 1 upon root 2 minus 1 and y is equal to root 2 minus 1 upon root 2 plus 1, show that x square plus एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में बेटा हमें x और y की वैल्यू दी है और हमें प्रूव करना है कि x square plus एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू है तो बेटा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन और वाई की वैल्यू है रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन दोनों में बेटा जो डिनोमिनेटर है ना वो इरेशनल नंबर है देखो रूट टू है जिसका स्क्वेयर रूट नहीं निकल सकता तो सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर स्क्वेयर रूट होल नंबर में नहीं आएगा तो ये इरेशनल नंबर हो गया ओके सो so, इसको हमें क्या करना होगा x और y की वैल्यू को पहले रैशनालाइज करना होगा ओनली देन हम एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र में इसको सब्सिट्यूट करेंगे अब रैशनलाइज कैसे करते हैं ये ध्यान से समझना बेटा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमें इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर और उस रैशलाइजिंग फैक्टर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कराना होगा अब रैशलाइजिंग फैक्टर क्या होता है इसका बेटा ध्यान से समझो रैशनाइजिंग फैक्टर वो होगा जिससे हम न्यूमेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर क्या है रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर जाए तो वो रेशर फैक्टर होता है अब फैक्टर कैसे ढूंढते हैं वो भी ध्यान से समझना बेटा अगर डिनोमिनेटर आपका ए प्लस बी की फॉर्म में है तो रैशनाइजिंग फैक्टर हमेशा ए माइनस बी की फॉर्म में आएगा और अगर डिनोमिनेटर ए माइनस बी की फॉर्म में है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हमेशा ए प्लस बी की फॉर्म में होगा रिमेंबर दिस ओके सो पहले हम एक्स की वैल्यू को रेशनलाइज करते हैं तो so, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो एक्स में डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है रूट टू माइनस वन है ना यानी कि ए माइनस बी की फॉर्म में है तो so, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या रहेगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट टू प्लस वन ओके क्या होगा रूट टू प्लस वन क्योंकि डिनोमिनेटर ए माइनस बी की फॉर्म में है तो रैशनाइजिंग फैक्टर ए प्लस बी की फॉर्म में होगा तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई करा देंगे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी अब जब डिनोमिनेटर को रैशनाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास देखो क्या आता है बेटा रूट टू प्लस वन मल्टीप्लाई रूट टू प्लस वन तो ये बन जाता है रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर क्योंकि बेटा ये दोनों सेम नंबर है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसे होल स्क्वायर में आ जाएगा लाइक like, अगर एक्स और एक्स हो तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है एक्स स्क्र होता है तो इसलिए रूट टू प्लस वन मल्टीप्लाई रूट टू प्लस वन ये क्या होगा रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा फाइन और डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा ध्यान से देखो ये ए माइनस बी की फॉर्म है यानी कि रूट टू माइनस वन मल्टीप्लाई रूट टू प्लस वन तो ये किस फॉर्म में है बेटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या आप इसको कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी से और मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए एक आइडेंटिटी होती है बेटा विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्र क्या होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्र तो इधर ए क्या है हमारा रूट टू ए इज इक्वल टू रूट टू है और बी इज इक्वल टू हमारा वन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को यूजिंग दिस आइडेंटिटी देखो बेटा डिनोमिनेटर को भी करेंगे पहले मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं बेटा तो हम इसका आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में तो ए स्क्वेयर यानी कि रूट टू का स्क्वेयर और बी यानी बी कितना है वन है तो माइनस वन स्क्वेयर हो जाएगा फाइन और डिनोमिनेटर में तो ये आ गया न्यूमिनेटर में क्या होगा न्यूमिनेटर में आइडेंटिटी यूज करेंगे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की और ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये भी एक एजेबरिक आइडेंटिटी है जो आपने क्लास एट में समझी है और अब पोलिनोम चैप्टर में भी बेटा ये आइडेंटिटी रिपीट होंगी तो ये इस फॉर्म में अगेन इधर ए क्या है रूट टू है ए इज इक्वल टू रूट टू है और बी हमारा वन है तो वैल्यू डालते हैं आइडेंटिटी के आंसर में सो so, ये बन जाएगा रूट टू स्क्र प्लस वन स्क्वेयर प्लस टू ए बी टू इंटू रूट टू इंटू वन फाइन अब इसको सॉल्व करना है देखो बेटा अब रूट टू का स्क्वेयर क्या होगा ध्यान से समझना वट विल बी रूट टू स्क्र रूट टू स्क्र क्या होगा रूट टू स्क्र होगा अगर हम रूट टू इंटू रूट टू करते हैं तो रूट फोर होता है और रूट फोर अल्टीमेटली क्या होता है बेटा टू होता है तो अगर रूट टू इंटू रूट टू आता है ना उसको आप डायरेक्टली टू लिख सकते हो तो हमेशा ध्यान रख लो अगर मान लो नंबर इस फॉर्म में है रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स उसको आप एक्स लिख सकते हो तो बेटा अब रूट टू स्क्वायेयर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा और वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और प्लस टू रूट टू टू इंटू अब देखो बेटा ये ध्यान रखना अब ये यहाँ पर इस टू में रूट का साइन नहीं है लेकिन इस ये वाला टू जो है रूट टू है रूट के साइन में है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कभी मत करना नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा आपको इसको टू और वन को मल्टीप्लाई करना होगा तो टू इंटू वन क्या होगा टू होगा और मल्टीप्लाई रूट टू है तो अब इसको टू रूट टू लिखोगे इस रूट टू को एज इट इज लिख दोगे तो टू रूट टू बन जाएगा अपॉन अगेन रूट टू का स्क्वायर टू जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया यहां पर माइनस वन अब देखो बेटा आगे क्या होगा अब टू प्लस इसमें लाइक टर्म्स हमेशा रूट टू वाली टर्म रूट से ऐड होंगी अगर रूट टू एक टर्म और होती तो टू रूट टू के साथ ऐड हो जाती लेकिन नहीं है तो इसको टू रूट टू ऐसे रहेगा लेकिन जो कॉन्स्टेंट टर्म है जिसमें रूट नहीं है वो अलग से ऐड कर सकते हैं लाइक like और ध्यान रखना इस टू को बेटा आप इसके साथ लोगे रूट टू के साथ अगर बीच में प्लस का साइन है तो उसके साथ ऐड मत कर देना गलत हो जाएगा अगेन और टू रूट टू अपॉन वन तो थ्री प्लस टू रूट टू अपन वन आ जाएगा हमारे पास और बेटा अब एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन क्या होता है नंबर इट्स तो हम थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन वन को डायरेक्टली थ्री प्लस टू रूट टू लिख देंगे ओके okay. तो ये एक्स की वैल्यू रैशनलाइज करके हमारे पास आ गई अब सिमिलरली हम वाई को भी रेशलाइज करेंगे अब वाई को कैसे करेंगे ध्यान से समझना सेम वे में करेंगे अब इसके डिनोमिनेटर को आप ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है A प्लस B की फॉर्म में तो रैशनाइजिंग फैक्टर किस फॉर्म में होगा ए माइनस बी की फॉर्म में होगा यानी कि रूट टू प्लस वन है तो रैशनाइजिंग फैक्टर रूट टू माइनस वन हो जाएगा तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप रूट टू माइनस वन लिख दोगे फाइन अब इक्वल ऊपर टर में क्या होगा रूट टू माइनस वन मल्टीप्लाई रूट टू माइनस वन यानी कि एक्स इन टू एक्स एक्स होता है अगर हम रूट टू माइनस वन को एक्स कंसीडर करें तो ये हो जाएगा रूट टू माइनस वन होल स्क्वेयर फाइन और डिनोमिनेटर में अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म आ गई ओके okay. जैसे इधर आई थी इधर ए माइनस बी ए प्लस बी हो ए प्लस बी ए माइनस बी हो आइडेंटिटी बेटा यही यूज होगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके तो अब इसको सॉल्व करते हैं अब आपके लिए ये सॉल्व करना इजी हो गया बिकॉज आप जैसे एक्स की वैल्यू आप सॉल्व कर चुके हो तो वाई की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो बहुत आसानी से अब इधर बेटा एक आइडेंटिटी जैसे इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज होती है इसके न्यूमिनेटर में इसके न्यूमिनेटर में हम ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है समझना बेटा होल ओके okay? तो रूट टू का स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन क्या होगा रूट टू यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी की स्क्वेयर माइनस वन स्क्र हो जाएगा फाइन तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया एक्जैक्टली exactly जैसे हमने इसको सॉल्व किया सेम मेथड से हमने सॉल्व करना है वाईक को भी रेसलाइज करना है सॉल्व मीन रेसलाइज करना है इसके तो बेटा अब रूट टू का स्क्वेयर क्या होगा अब आई हैव एक्सप्लेन होगा तो ये हो जाएगा टू रूट टू और डिनोमिनेटर में रूट टू का स्क्वेयर टू और वन का स्क्वायर वन अब देखो बेटा टू प्लस वन थ्री माइनस टू रूट टू अपॉन टू माइनस वन वन एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन क्या होता है सेम नंबर तो थ्री माइनस टू रूट टू ये हमारी वाई की वैल्यू आ गई अब एक्स और वाई दोनों हमारे आ गए अब नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर की ना और ये प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है थर्टी फाइव की अब बेटा हम एक्स और वाई की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं एक्स हमारा क्या निकला बेटा थ्री प्लस टू रूट टू और वाई थ्री माइनस टू रूट टू तो एक्स की जगह आप लिख दोगे थ्री प्लस टू रूट टू होल स्क्वायर इधर एक्स स्क्र है प्लस एक्स वाई एक्स वाई का मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स की वैल्यू थ्री प्लस टू रूट टू है अभी हमने रैशनलाइज करके फाइंड करी और वाई को रैशनलाइज करके क्या आया था बेटा थ्री माइनस टू रूट टू न सी थ्री माइनस टू रूट टू वाई तो और अगेन वाई स्क्स टू रूट टू होल बेटा क्या होगा अब थ्री प्लस टू रूट टू होल स्क्र है यानी कि ए प्लस बी होल स्क्र की फॉर्म में है ये. इसकी आइडेंटिटी क्या है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी ओके ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इधर ए कितना है बेटा थ्री है और बी जो है टू रूट टू है तो अब आइडेंटिटी में वैल्यू डालते हैं तो एक ब्रैकेट में ही इसकी वैल्यू रखना बेटा स्क्वायर ब्रैकेट लेना क्योंकि अंदर ब्रैकेट आ सकती हैं तो ए स्क्वायर यानी कि थ्री स्क्वायर क्योंकि ए थ्री है प्लस बी स्क्वायर बी कितना है टू रूट टू तो ये बेटा टू रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा Fine. और फिर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी टू ए बी ए थ्री और बी टू रूट टू टू इंटू थ्री इंटू टू रूट टू ब्रैकेट क्लोज स्क्ट क्लोज प्लस अब इधर देखो बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है है कि नहीं yes, sir. तो इसमें हम ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं किसके इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर इधर भी ए किसके इक्वल है थ्री के और बी टू रूट टू के तो एक स्क्र ब्रैकेट बना लो बेटा और उसमें लिख दो थ्री स्क्वेयर माइनस टू रूट टू स्क्र बेटा ये ब्रैकेट जरूर यूज करना जो ये यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर बिकॉज कई बार क्या होता है यहाँ पर माइनस का साइन होता है ना तो ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाती है इसमें तो फिर भी चल जाएगा लेकिन अगर वेरिएबल्स हो तो बेटा बहुत ध्यान रखना तो अब आगे करते हैं अब ए माइनस बी होल स्क्सल स्क्सर ए अगेन थ्री है और बी इधर भी टू रूट टू है टू रूट टू का स्क्वायर माइनस टू ए बी टू इंटू थ्री इंटू टू रूट टू ठीक है बेटा अब देखो बेटा जो फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट ऑलमोस्ट सेम है बस फर्क क्या है यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो थ्री स्क्र थ्री स्क्र कितना होगा थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन थ्री थ्री इधर नाइन होता है ना थ्री मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू नाइन होता है यस सर तो इधर नाइन आ जाएगा फाइन और टू रूट टू का स्क्वेयर कैसे निकलेगा ये ध्यान से समझना टू तो रूट टू का स्क्वायर टू का स्क्वायर ये जो पावर टू है ना ये टू के साथ भी जाएगी अलग से और रूट टू के साथ भी जाएगी जब इसको हम टू के साथ भेजेंगे तो ये बन जाएगा टू स्क्र फोर हो जाएगा और रूट टू का स्क्वायर मैंने अभी एक्सप्लेन करा था रैशनलाइज करते वक्त रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा रूट फोर अल्टीमेटली टू सो रूट टू स्क्र को हम टू लिख सकते हैं और फोर इंटू टू कितना होता है बेटा इट इज एट तो इधर आएगा नाइन प्लस एट अब इसको भी सॉल्व करो अगेन बेटा जो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे रूट टू वाली टर्म को नहीं कराएंगे जो विदाउट रूट है और विद रूट दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते एक दूसरे से ओनली विदाउट रूट वाले अलग से और रूट वाले अलग से मल्टीप्लाई होते हैं तो इधर उधर टू थ्री सिक्स, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स सिक्स टू द ट्वेल्व तो ये बन जाएगा ट्वेल्व रूट टू फाइन ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में थ्री स्क्वेयर यानी कि नाइन और अभी ये मैंने बताया टू रूट टू का स्क्वायर क्या आया था बेटा एट आया था तो नाइन माइनस एट ब्रैकेट क्लोज अब इधर भी सॉल्व करते थ्री स्क्वेयर नाइन और टू रूट टू का मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा इट इज टू रूट टू होल स्क्वायर इज एट तो नाइन प्लस एट और माइनस और टू इंटू थ्री इंटू टू रूट टू भी हम कर चुके हैं तो ये कितना आया बेटा इट्स कम्स टू बी माइनस ट्वेल्व रूट टू ये हमने सॉल्व कराई है अभी अब नाइन प्लस एट सेवेंटीन प्लस ट्वेल्व रूट टू और नाइन माइनस एट क्या होगा बेटा वन हो जाएगा प्लस सेवनटीन माइनस ट्वेल्व रूट टू अब ब्रैकेट ओपन करो सेवेंटीन प्लस ट्वेल्व रूट टू प्लस वन प्लस सेवनटीन और प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व रूट टू अब इसको सॉल्व करें तो बेटा देखो सेवनटीन प्लस वन प्लस सेवनटीन ये तीनों नंबर ऐड हो जाएंगे और सेवनटीन प्लस सेवनटीन थर्टी फोर होता है और थर्टी फोर में अगर हम वन ऐड करते हैं तो वी गेट थर्टी फाइव और देखो बेटा प्लस ट्वेल्व रूट टू और माइनस ट्वेल्व रूट टू सेम नंबर बट अपोजिट साइड हो तो आप इसको कट कर सकते हो ये जीरो हो जाएगा तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया थर्टी फाइव और यही हमें शो करना था एक्स क्यूअर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू क्या शो करना था थर्टी फाइव और ये हमने प्रूव कर दिया तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव